Hello viewers, today I am going to tell you top coding languages in each field. हर फील्ड में कौन सी languages use होती है top, वो हम बताने वाले हैं। Web development के लिए आजकल की दुनिया बिना web development के आपको बिना अपने web को बनाए आप कुछ भी earn नहीं कर सकते। So this is required HTML, CSS, JavaScript, SQL and PHP. HTML जो होता है वो बेस होता है वेबसाइट का, उसको आना ही चाहिए आपको क्योंकि इसी के अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। CSS जो है आपके वेबसाइट को ब्यूटीफाई करता है, JS जो होता है वो एक्शन स्क्रिप्ट देता है, SQL जो होता है आपका डेटाबेस बनाता है, आपका सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, और PHP जो है एडवांस लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप एडवांस चीज़ें यूज़ करके अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। सो दीज फाइव लैंग्वेजेस आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द वेबसाइट। वेबसाइट के लिए ये पांच लैंग्वेजेस तो चाहिए ही चाहिए। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आजकल की दुनिया मोबाइल की है, बिना मोबाइल के कुछ नहीं होता, और उसके लिए आपको कोटलिन, स्विफ्ट, जावास्क्रिप्ट, जावा और डार्ट चाहिए। Dart, Swift or Kotlin just used for the app and JavaScript as I told you ये action script के लिए होता है, और जावा जो होता है advanced जावा जो है वो बहुत ही security के लिए appellate बनाने के लिए use होता है। appellate ऐसी चीज़ होती है जिसको कोई steal नहीं कर सकता ना download कर सकता है, तो security purpose से जावा बहुत ही अच्छा है। गेम डेवलपमेंट, अब गेम डेवलपमेंट के लिए आपको सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट और जावा आनी चाहिए, जिसमें से सी की हमने कुछ प्रोग्रामिंग आपको बताई है। अगर आप सी प्लस प्लस या सी शार्प सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको बता देंगे। जावा स्क्रिप्ट हम ऑलमोस्ट पढ़ा चुके हैं, जावा भी एडवांस जावा में दो है, कोर जावा और एडवांस जावा, आपको कौन सी सीखनी है आप बताइएगा। हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको एथिकल हैकिंग के लिए आपको पाइथन, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, रूबी, एसक्यूएल, पीएचपी और शेल प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। पाइथन में हमने काफ़ी पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। सी प्लस प्लस अगर सीखना है तो कमेंट में लिखिए, जावास्क्रिप्ट हम पढ़ा चुके हैं, रूबी आजकल चल रही है, एसक्यूएल काफ़ी पोर्शन हमने एक्सेस के साथ पढ़ाया था, पीएचपी भी हम पढ़ा सकते हैं अगर आप कहिएगा तो हम स्टार्ट करेंगे, शेल प्रोग्रामिंग जो आपकी प्रॉम्प्ट पे काम करती है, जैसे लाइनक्स है, सीएमडी आप यूज़ करते हैं विंडो में, और डॉस है, ये सब शेल प्रोग्रामिंग, लाइनक्स है शेल प्रोग्रामिंग के अंदर आती है। डेटा साइंस, डेटा साइंस में आपका पाइथन, आर, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल एंड मैटलैब है। मैटलैब पे कुछ प्रोग्राम्स हमने बना के आपको दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके पाइथन के देखिए, पाइथन में काफ़ी कुछ हमने प्रोग्राम बनाए हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट आप पढ़ सकते हो, आर आजकल डिमांड में है लेकिन बहुत अधिक नहीं, मैटलैब ही डिमांड में है, पाइथन और मैटलैब। एम्बेडेड सिस्टम, जो किसी के अंदर एक सिस्टम के अंदर दूसरा सिस्टम जब आपका यूज़ होता है तो उसको एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। सी, सी प्लस प्लस, पाइथन और डीनो और असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो आपके 286, 486, 386 कौन सा प्रोसेसर है उसके बेस पे असेंबली लैंग्वेज बनती है, और उसी के बेस पे उसके रजिस्टर्स यूज होते हैं, हर बेस पे हर प्रोसेसर के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग डिफरेंट हो जाती है और ये टफ होती है थोड़ा। सी, सी प्लस प्लस आप इजीली हमसे सीख सकते हैं, पाइथन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हुए, तो ये सारी चीज़ें एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट हमने आपको एक दिन पूरा एक वीडियो बना के दिया था, उसको जाके समझ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है। सी प्लस प्लस, सी शार्प, गो, जावा एंड पाइथन, गो अब नया चला हुआ है इधर, और तो चारों हम आपको पढ़ा सकते हैं, आप जैसा चाहिए कमेंट में लिखिएगा। पाइथन ऑलमोस्ट हम काफ़ी पढ़ा चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल की टॉप
प्रायोरिटी है, जिसमें जो गूगल पे आपको हर जगह ढूंढने पे मिल जाएगी, जिसके लिए पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा और आर आनी चाहिए। इफ यू लाइक दीज इंफॉर्मेशन ज्वाइन माई ऑल सोशल मीडिया, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल आई डी इज रतन अग्रवाल आई टी इन्फॉर्मर, टेलीग्राम चैनल टेक रतन अग्रवाल, एंड आवर सोशल मीडिया वॉचर्स ऑन फेसबुक पेज एंड फेसबुक ग्रुप, देन पीप अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड देन फ्लाई विद अस ऑन ट्विटर। सो इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ इतनी मेहनत से हम लोग बनाते हैं ट्यूटोरियल, आप लोग उसको सब्सक्राइब किया करो, प्लीज़ सपोर्ट अस, थैंक यू।